चॉकलेट पान की तैयारी इसकी हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट पान बनाने के लिए हमने ये पान लिया है जिसको हम कटिंग करके इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इनकी शेप इक्वल नहीं है, तो साइड से हम इनकी बाउंड्री काट के इसको इक्वल शेप में रखेंगे। इस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। हमारे सारे पान कट हो गए हैं, अब हम वन बाई वन अपने पान को बनाते हैं। ये हम पान लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस लेंगे जिसको हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलकंद, पान का पान बनाए और गुलकंद नहीं डाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें हम थोड़ा सा गुलकंद डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडाई पाउडर। ठंडाई पाउडर रेडीमेड मार्केट में मिलती है, आप बनाना चाहो तो इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हो। फिर डालेंगे थोड़ी सी कलरफुल सॉफ्ट और इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी भी आप सेपरेट कलर का यूज कर सकते हो, यहाँ मैं रेड कलर का यूज कर रही हूँ। ये हमने पान में सारा सामान डाल दिया है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस पान को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए आप अपने किसी भी स्टाइल से फोल्ड कर सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल। एंड हम इसको यहाँ पे ऐसे करके एक लॉन्ग की हेल्प से इसको हम लॉक कर देंगे और इस तरह से हमारे सारे पान को हम पहले रेडी कर लेते हैं। ये हमने अपने सारे पान को फिल कर लिया है और इनको लॉक कर दिया है। अब इसको हम चॉकलेट में मेल्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने कंपाउंड की डार्क चॉकलेट ली है। इसको पहले हम मेल्ट कर लेते हैं, फिर इन पान को इसमें डिप करेंगे। ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हम फॉइल पेपर लगाएंगे। अब इस पान को हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे। ये मैंने वन साइड किया, ऊपर से हम इसमें चॉकलेट स्प्रेड करेंगे और एक फॉर्क की हेल्प से हम इस पान को फॉइल पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमने सारे पान को सेट कर लेते हैं। इन सबको हमने डिप कर लिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये हमारे चॉकलेट पान रेडी हो गए, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने में बेल बटन जरूर क्लिक करिएगा। मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊंगी।